अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल चिकन काली मिर्च। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे हम, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो इस रेसिपी को देखते रहिए हमारे साथ, तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम इसका एक मसाला बनाएंगे, जो बनाने में वही इंग्रेडिएंट जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएंगी, 5 लौंग, 5 इलायची और 1 दालचीनी का पीस है छोटा सा, ये डाल देते हैं। और 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया जाएगा, ये इसका मेन मसाला है। आपको इसको डार्क होने तक, यानी ऐसा कलर होने तक भूनना है। थोड़ा तेज़ भूनिएगा आप इस मसाले को। इसको हम ग्राइंडर में डाल देते हैं, जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसको पीस लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लें, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल देते हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको इस तरह से हमने कट कर लिया है। लेकिन प्याज को आपको ज़्यादा डार्क कलर की नहीं करना है, 2 ही मिनट पकाना है। 2 मिनट के बाद आपको ये इस तरह की मिलेगी प्याज। इसमें 1/2 किलो हम चिकन डाल देते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा या कम ले सकते हैं। 2 पिंच इसमें कलर के लिए हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट भी हम इस पर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक भी जाएगा। इसको डालने के बाद आपको अच्छे से, यानी प्याज और चिकन को बहुत अच्छे से आपको इस तरह से मिक्स करना है। इसकी लिड से इसको कवर करना है। 10 मिनट के बाद आपको ये इस तरह का मिलेगा, यानी हमें इसको चिकन के जूसेस में ही पकाना है। तो चिकन ने पानी छोड़ दिया है, ये मेन स्टेप है। आपको इसको कवर कर कर ही पकाना है और स्लो फ्लेम पर पकाना है। जब ये आपको इस तरह का मिलेगा, यानी चिकन पानी छोड़ चुका होगा, ऐसा लिक्विडी यानी ऐसा पानी वाला ये होना चाहिए, तब आप इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला भी बहुत अच्छे से ये आपका पक पाएगा, नहीं तो ये एकदम ज़्यादा खुश्क रह जाएगा, जो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। मसाला डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर से इसकी लिड से इसको कवर कर देना है। और जैसे ही चिकन गल जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा, आपकी रेसिपी एकदम से तैयार हो जाएगी। तो है ना, बहुत ईजी, इतना गला हुआ ये होना चाहिए। तो इसको तो कोई भी कभी भी बासानी बना सकता है। तेज़ वाली तीखी मिर्च ली है, जिसको इस तरह से स्लाइस में मैंने कट कर लिया है हरी मिर्च को। और ये करी पत्ता है, 2 टहनी लिया है मैंने, पूरा डाल दिया है। थोड़ा मोटा कटा हरा धनिया भी लेना है और इसको भूनते जाना है और यूँ मिक्स करते जाना है आपको। ये एकदम लाजवाब और शानदार चिकन हमारा हो गया है तैयार। इसको एकदम आसान है बनाना, तो बस इसको कर लेते हैं डिश आउट। और ये एकदम देखने में जितना अट्रैक्टिव है, यकीन जानिए ये खाने में भी इतना लाजवाब और शानदार है। आप इसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये कब पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन इस पे नींबू का रस ज़रूर डालिएगा। मैंने थोड़े से करी लीव रख दिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ ताकि आपको दिखे ये और भी लाजवाब और शानदार। ये एकदम इसी तरह का डार्क कलर का चिकन आप ज़रूर बनाइए, हमारे तरीके से, जायका दिल्ली 6 के तरीके से ज़रूर बनाएं। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।